हमारे यहाँ पढ़ा लिखा उसी को माना जाता है जो फर फर इंग्लिश बोल सके, चाहे फिर वो मैट्रिक फेल ही क्यों ना हो। भाई ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उस पर अबूर होना चाहिए, लेकिन हमने तो इसे कॉम्प्लेक्स ही बना लिया है। भाई अगर इंग्लिश ना बोलना जुर्म होता तो राजा रियाज तो कभी भी अपोजिशन लीडर ना बन पाते। और वैसे भी हमारे यहाँ तो सियासतदानों की अक्सरियत इंग्लिश बोल ही नहीं सकती। चलें कॉम्प्लेक्स समझ के सही, लेकिन अच्छा है लोगों में इंग्लिश बोलने का शौक तो पैदा हुआ है। लोग इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज करते हैं और जब तक बंदा बोलना सीखता है इंग्लिश तब तक कोर्स ख़त्म हो जाता है और वोकैबुलरी भी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर और साथ मौजूद हैं उनके स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज पर कई हमले कर चुके हैं। पता नहीं उनके हमले कामयाब हुए हैं या नहीं, आइए उनसे पूछते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ। थैंक यू वीना जी, आपने हमें बुलाया अपने प्रोग्राम में। आपसे हम बहुत प्यार करते हैं और आप प्रोग्राम से और आपके जितने फनकार हैं। अच्छा, आप दोनों में से स्टूडेंट कौन है और टीचर? ये मेरा स्टूडेंट है सर। अगर ये तो अगर स्टूडेंट है 3-4 बजे तो फैटी जरूर लाइए। नहीं नहीं, ही इज माय ग्रेट स्टूडेंट, माय ग्रेट उस्तादों की हमेशा कदर करो। उस्ताद की कदर नहीं करता समझ दुनिया यहाँ से वो निकल गया। ये नहीं बोल रहा, ये मेरा 30 साल का तजुर्बा जो मैंने इसमें यूं निचोड़ के डाला ये वो बोल रहा। और मैंने ये सारा तजुर्बा यहाँ से फेंक दिया। नहीं उस्ताद जी, अपने शिगिरदी ट्रांसलेट करी जाना सानू समझ नहीं आ रहा। तत्ती तत्ती इंग्लिश ना गिलास पा कर उन्होंने प्याती। इंग्लिश तो बोल ही नहीं रहे वो। अब वो जो ये आगे गया होना है। आपको वीना जी लग रहा होगा कि ये मेरा स्टूडेंट जो है वो ऑटिज्म का शिकार है, बट ही इज नॉट। ये इंग्लिश का शिकार। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओदी ते बिल्कुल नहीं सी आ रही, एदी रहंदी कहंदी भी नहीं आ रही। ही इज माइग्रेट स्टूडेंट, ये माइग्रेट करेगा, ये इतना सीख जाएगा कि अमेरिकन खुद बोलेंगे कब आ रहे हो कब आ रहे हो कब आ रहे हो। 30 दिन का मेरा कोर्स होता है, 15 दिन गुजार लिए, 15 रह गए, लेफ्ट 15 डेज रिमेनिंग। 15 दिन में सिर्फ मैंने उस्ताद जी से ओवरलैपिंग सीखी है। ये विना जी मैनू तुहाडी समझ नहीं आती, जिन्हां नूं नहीं आती तुसीं उन्हां नाल तड़ा तड़ इंग्लिश बोलदे हो। अज स्टूडेंट आए ने, अज तुहाडी इंग्लिश मुकी। बोलो, हर चीज का फर जवाब दूंगा। आपने इस टीचर से सीखा क्या? आपके साइकिल का चैन उधर जाए। हां कैसे फौरन चालना उस आदमी उधर में वो भी सिखाया है। नहीं, वो अमेरिका जा रहा हूँ भाई। वो लैंग्वेज क्या है? अमेरिका जा रहा हूँ तो हर चीज मुझे सिखा रहे हैं। रोटी पकानी सीख गया हूँ, आंटी बनानी सीख गया हूँ, इंग्लिश के अलावा सब कुछ सीख रहे हैं। वहाँ जरूरत पड़ती है भाई, अपने काम खुद करना पड़ते हैं। अभी आपको एक नमूना दिखाते हो इंग्लिश का। आप जू सीखिए, आपके पास पैसे हैं? यस। मुझे दोगे? नो। भाई बड़ी गल है, कामयाब टीचर रे। 15 दिन च कोई स्टूडेंट ना सीख जे? यस नो। हां हां, डोनाल्ड ट्रंप को इंग्लिश किसने सिखाई है? किसने? उस्ताद मोहतरम ने। मीरा जी की भी आप ही टीचर हैं? मीरा जी तो हमारी सीनियर। तो देखो, जो स्टूडेंट किसी बाहर के मुल्क जाके इमीग्रेशन से इंग्लिश बोलता ना, वो कहते इनू अंदर जान दो, इहदा टीचर लभो वो कौन। क्या करो बिना जी, अमेरिका का वीजा मुझको मिल जाए तो उस्ताद मोहतरम की वो खिदमत करूंगा मैं। नहीं, आपको किसने कहा कि अमेरिका का जो वीजा है वो इंग्लिश बोलने से मिलता है? बेसिकली यू आर अ प्लेन मैन। प्लेन मैन के सादे आदमी हो तो। मुझे टीचर 8:30 बजे घंटी खड़का के कहना मुझे जरूरी काम है। ये आपने इंग्लिश किस वजह से सीखना शुरू किया? अमेरिका जाने के लिए? अमेरिका जाऊंगा इसी मुंह के साथ। बैठे तू इसी मुंह के साथ, इधर बैठे हुए मैंने कुछ कहा? सर अगर तुसी कितों लीव लेनी है, छुट्टी लेनी है, तो इंग्लिश अगर तुसी जिहड़ी दरखास्त लिखनी है वो लिख सकते हो तुसी? तो उस्ताद जी फसवा दिया ना, मैं कह रहा था कुछ सिखा के ले जाओ। मैं दरखास्त देता ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो मालिक के सामने रोता ही ऐसा हूँ, कहता जा यार मेरी जान। दो लफ्ज़ तो उस्ताद जी ने न्यूयॉर्क और मैनहट्टन, ये दो लफ्ज़ तो उस्ताद ने बता दिए कि इन्हीं शहरों में तुमने रहना है। अच्छा। और सबसे खुशी की बात है जो अंदर जो उबाले का था, उबाले उबाले, हाँ। वो क्यों खा रहे हैं बोलो? कैफी वो जो है ना, वो मूर्ति जिसने वो मछली पकड़ी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी शो जो है उधर का, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं देखना जाके? हाँ जी, दादी है दी। ये इन्हें एक बार क्या सी, मैं अमरीका आना, उन्होंने कहा मेरे हाथ खड़े पुत्र तू ना ही। अच्छा, एबीसी सुनाए जरा, छोटी और बड़ी दोनों सुनाओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। ये अब आधे हो जाए, जिन मीठा नहीं खाता मैंने शुगर। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अमेरिका जा क्यों रहा हूँ? ये तो बताए ना, ये तो आपने सच बताया ही नहीं। असल में जा रहा हूँ इसलिए वहां जाके किसी गोरी के साथ शादी करूंगा।
जो अमीर गोरी होगी नेशनलिटी लेंगे फिर नहीं 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 उसकी सारी जायदाद हड़प करूंगा फिर आगे आईएमएफ का कर्जा उतारेंगे आईएमएफ मामा लगता है मैं अपने बाप का कर्जा उतारूंगा तो जेल में है अब्बा जेल में क्यों है चेक दे दिया ना उसको चेक कैश नहीं हुआ जाली चेक के केस जाली चेक में तो पापा मशहूर थे अगर वो गोरी तनु फरमाइश कर दी कि मैंने कोई इंग्लिश गाना सुनाओ तो फिर सुनाओगे ये भी तरबियत दे दी मुझको सम टाइम दिस फ्लावर माय फ्रेंड इज बटरफ्लाई ये वावा किस बात पे करे समझ आई है यार मेरा तितलिया वर्गा कदे इस फूल ते कदे उस फूल ते ये प्रोफेसर साहब से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा रोने तो दे यार वो रो रहे हैं ताजी चुप कर जाओ नहीं मैं अबे चुप कर जा मां को लगाऊंगा चुप कर जा मैं आज बड़ा खुशी खुशी के हंसू है कि मेरा स्टूडेंट फर बोले जा रहा है अभी तक आप कितने स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा चुके हैं अभी तक तो पहला स्टूडेंट मैं ही हूं ट्रांसलेट कीजिएगा हाथ ना लगे तो थू कौड़ी हैंड नॉट टच लास्ट में साजी थू कर दो ये मेरे सवाल का भी एक छोटा सा है मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल तो वो तुमको लेके भी नहीं जाएंगे आप मुतमिन अपने टीचर से लो मुतमिन है आज दबा मैं बार बार कोटा क्यों पड़ साजी क्या कोई आइटम कर रहे हैं हम लोग लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया में एक बांडा बीच है बांडे बीच पे आप फंस गए वहां पे आप गोभी कैसे मांगेंगे नहीं गोभी डेजर्ट में फंस गए हैं चलिए ये बताइए अब ये पानी के अंदर है ये देखो पानी के बाहर आया हेल्प हेल्प अबे सुन लो इंग्लिश आप सिखाते रहे इनको बेसिक से आप सिखा रहे हैं कोई पोएम वगैरह एक नई चीज सिखाई है अभी मैं पानी में हूँ ये पानी से बाहर है अबे कहाँ हो सुन लो अगर आप मस्तियाँ शो में हम सब का हला गुला देखना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए